हेलो फ्रेंड्स, मम्मी की टेस्टी रसोई में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स एकदम स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव भाजी। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला पाव भाजी बनाने के लिए फ्रेंड्स एक प्रेशर कुकर में 3 टेबलस्पून ऑयल डालिए। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे मैं भाजी बना रही हूँ और मैंने ऑयल यूज़ किया है। फ्रेंड्स ऑयल से हम कुकिंग करेंगे और बटर को हम फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करेंगे बाद में। फ्रेंड्स ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे को फ्रेंड्स अच्छे से चटकने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स जीरा हमारा बिल्कुल अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करते ही फ्रेंड्स हम इसमें 2 टमाटर बड़े बड़े साइज़ के जो मैंने कट किए हैं उसे मिला देंगे। फ्रेंड्स आप टमाटर 2 की जगह 3 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को खट्टापन थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसे मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा कट किया हुआ है। 1 गाजर फ्रेंड्स, 1/2 फ्रेंड्स मटर, 1/2 मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी लिया है। आप फूल गोभी भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ को फ्रेंड्स ना फूल गोभी पसंद होती है ना ही पत्ता गोभी, तो आप दोनों गोभी को स्किप करके भी अपनी भाजी बना सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा पानी डालेंगे, हमें सिर्फ अपनी वेजिस को अच्छे से बॉईल करना है। अब हम इन सबको बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए फ्रेंड्स, और अब हम इसे हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स 2 सीटी आ गई है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर फ्रेंड्स हमें 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करना है। फ्रेंड्स 3 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को कर देंगे हम बिल्कुल बंद और अपनी वेजिस को चेक करेंगे। आइए फ्रेंड्स हम प्रेशर कुकर में अपनी वेजिस को चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स सभी सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गई है। अब हम इसे फ्रेंड्स एक मैशर की हेल्प से कुकर में ही अच्छे से मैश करेंगे। फ्रेंड्स मैं कुकर में इसलिए मैश कर रही हूँ क्योंकि कुकर में छींटे लगने का डर नहीं रहता। कढ़ाई में जब हम मैश करते हैं तो कई बार हमें थोड़े छींटे लग जाते हैं, इस वजह से आप इसे कुकर में अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारी सभी सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आपके घर में कोई पार्टी है या फिर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अपनी सभी सब्जियों को उबाल कर रख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स सब्जियों को उबाल कर रखने से हमारा भाजी बनाने का काम बिल्कुल आसान हो जाता है, और शाम को इसे बना लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर सब्जियाँ बॉयल होंगी तो हमें भाजी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पाव भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक कढ़ाई ली है। आज मैं पाव भाजी कढ़ाई में बनाऊंगी। फ्रेंड्स आप तवे पर भी बना सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैं कढ़ाई में सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें 3 टेबलस्पून बटर डालेंगे। फ्रेंड्स ऑयल मैंने इसलिए डाला है ताकि हमारा जो बटर है वो जले ना। अब हम बटर को मेल्ट होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल बारीक कटी हुई फ्रेंड्स मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है, इन्हें अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए फ्रेंड्स इसे पकाएंगे।
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें प्याज को हल्का पिंक करना है, सॉफ्ट होने तक हमें इसे सिर्फ भूनना है, इसे बिल्कुल रेड नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज पिंक होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें फ्रेंड्स आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च, फ्रेंड्स मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, आप इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, मुझे इस तरह से पसंद है इसलिए फ्रेंड मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज के साथ एक मिनट तक भुनेंगे। फ्रेंड्स हमारी अदरक, हरी मिर्च और प्याज अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें फ्रेंड्स मैंने एक शिमला मिर्च बड़ी, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम शिमला मिर्च को भी फ्रेंड्स एक मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हाथ में लीजिए और इस तरह से इसे क्रश कीजिए और मिला दीजिए। कसूरी मेथी फ्रेंड्स जरूर डालिएगा, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब फ्रेंड्स हम अपने मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स मेरे मसालों का मेजरमेंट इस स्पून से है क्योंकि ये सभी के पास होता है। फ्रेंड्स मैं इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा कलर आता है, आप रेगुलर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, फ्रेंड्स ये होममेड पाव भाजी मसाला है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे और मसालों को अच्छी तरह से फ्रेंड्स हम भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गए हैं, इसमें से देखिए फ्रेंड्स हमारा बटर जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें अपनी बॉईल की हुई वेजीज ऐड कर देंगे। और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रेंड्स मिलाइए। फ्रेंड्स देखिए सारी वेजीज अच्छे से मिल गई हैं। कुछ लोगों को फ्रेंड्स खड़ी पाव भाजी पसंद होती है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम इसे बस 2 से 3 मिनट तक के लिए और कुक कर देंगे और उसके बाद हम सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको एकदम मैशी सिल्की पाव भाजी चाहिए तो उसके लिए फ्रेंड्स हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स पाव भाजी का कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है, लेकिन पाव भाजी फ्रेंड्स अभी हमारी थोड़ी थिक है, इसे फ्रेंड्स हम थोड़ा पतला करेंगे। फ्रेंड्स हमें पाव भाजी ऐसी कंसिस्टेंसी की बनानी है कि हम इसमें पाव डिप करें और भाजी का सारा फ्लेवर पाव में आ जाए। इसके लिए फ्रेंड्स मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ और अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पर 8-10 मिनट के लिए और अच्छे से कुक करूंगी। देखिए फ्रेंड्स हमारी भाजी में बिल्कुल कितना अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक मैशर की हेल्प भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आप एक मैशर की हेल्प से अपनी भाजी को और मैश कर लीजिए। फ्रेंड्स अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक और ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपने 1 टेबलस्पून नमक हमने सब्जियों को बॉईल करने में भी डाला था, तो आप नमक को एडजस्ट कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे भी आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारी भाजी बिल्कुल रेडी है, इसका कलर देखिए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको कोई कलर का इशू है कि आपकी भाजी में कलर नहीं आया, तो आप रेड फूड कलर भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो मार्केट में भाजी बनती है उसमें तो फूड कलर डाला जाता है। अब हम फ्रेंड भाजी के टेस्ट को डबल करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स 1/2 नींबू का रस। थोड़ा सा फ्रेंड्स डालेंगे हम हरा धनिया, जो इसके टेस्ट को बिल्कुल डबल कर देगा और खाकर आपको फ्रेंड्स बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल इसे अच्छी तरह से अब मिला लेंगे और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। फ्रेंड्स भाजी बना रहे हैं तो बटर तो आप जितना मर्जी डाल लीजिए,
जितना आप बटर डालेंगे भाजी का टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बस अब हम इन्हें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर 1 मिनट तक और चलाएंगे। हमारी भाजी बिल्कुल रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी भाजी बिल्कुल रेडी है। आइए अब पाव बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जी हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड्स, आइए पाव भी सेक लेते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास इस तरह के पाव है, इसे हम इस तरह से बीच में से कट कर देंगे। अब हम फ्रेंड्स इसे इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है, आइए इसे अब सेकते हैं। एक आयरन का तवा लीजिए फ्रेंड्स, इस पर हम बटर डालेंगे। फ्रेंड्स जब ये बटर हमारा मेल्ट हो जाए तो आप इसमें पाव भाजी मसाला या फिर रेड चिली पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव बना रहे हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा जो वो पाव भाजी वाले भैया होते हैं जिस तवे पर भाजी बनाते हैं उसी पर वो अपना पाव सेक लेते हैं। तो हम फ्रेंड्स हमने तवे पर तो भाजी बनाई नहीं है लेकिन हम उसका फ्लेवर उसमें ले आएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी फ्रेंड्स भाजी जो हमने बनाई थी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, सारा फ्लेवर हमारा इसमें अच्छे से हमारे पाव में आ जाएगा। और इसे इस तरह से फ्रेंड्स सेक लीजिए दोनों तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला पाव बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम इस तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मसाला पाव बिल्कुल रेडी है, मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे से अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स है ना एकदम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव। आइए इसे सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी भाजी मसाला पाव के साथ बिल्कुल रेडी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। एक बार इस मेथड से बनाकर तो देखिए, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।